हेलो, बिग वेलकम टू रेहान्स बायोलॉजी। मैं हूं रेहान खान, स्वागत है आपका। आज इस वीडियो में हम नीट एग्ज़ाम के बायोलॉजी पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके पैटर्न के बारे में, उसके सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए बायोलॉजी के पेपर के लिए नीट एग्ज़ाम में, इस बारे में डिस्कस करेंगे। जो 12th क्लास से पास आउट स्टूडेंट हैं, जिनको इस महीने जो प्रपोज डेट है 26 जुलाई नीट की, उसके लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके पास कुछ ही दिन बाकी बचे हैं नीट का एग्ज़ाम देने के लिए। और जो 11th से पास आउट हुए हैं, जिनको अगले साल नीट का एग्ज़ाम देना है, उनके पास अभी काफ़ी समय है नीट की तैयारी के लिए। तो दोनों तरह के स्टूडेंट के लिए ये वीडियो यूज़फुल होगा, उनके लिए काम का होगा। ध्यान से इस चीज़ों को सुने, और अगर आप इस तरह से तैयारी कर रहे हैं और एग्ज़ाम वाले दिन आपको क्या क्या करना है बायोलॉजी पेपर के लिए, वो अगर आप थोड़ा सा ध्यान रखते हैं, तो डेफिनेटली आप बहुत बेहतर स्कोरिंग बायोलॉजी पेपर में कर सकते हैं। ये वीडियो बनाया भी इसीलिए गया है ताकि उन बायोलॉजी स्टूडेंट्स के साथ में ये बात शेयर की जा सके कि आप अगर एक थोड़ी सी स्ट्रेटजी के साथ बायोलॉजी के पेपर की तैयारी करते हैं, और एग्ज़ाम वाले दिन भी थोड़ी सी अपनी स्ट्रेटजी बायोलॉजी के वाले पार्ट के लिए कुछ बेहतर रखते हैं, तो आप मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकते हैं बायोलॉजी के पेपर में। तो आइए शुरू करते हैं इसको। जैसा आपको मालूम है, नीट एग्ज़ाम में टोटल 180 क्वेश्चंस आते हैं, और हर सही क्वेश्चन के लिए आपको 4 मार्क्स मिलते हैं, तो टोटल आपका 720 मार्क्स का ये एग्ज़ाम है। और जो आपके 180 क्वेश्चंस हैं, उनमें से 90 क्वेश्चंस जो हैं वो बायोलॉजी वाले पार्ट से आते हैं, तो आपके पेपर का 50% वेटेज जो है वो बायोलॉजी से है। तो जब आधा पेपर आपका नीट का बायोलॉजी बेस्ड है, बायोलॉजी पर डिपेंड है, तो आपको भी थोड़ा सा उस सब्जेक्ट के बारे में अपनी बेहतर स्ट्रेटजी रखना चाहिए, ताकि आप मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकें इस सेक्शन से। फिज़िक्स केमिस्ट्री के कंपैरिजन में अगर ये आपको आसान लगती है बायोलॉजी, तो फिर आपको इस पार्ट से ज़्यादा स्कोर भी करना चाहिए, ताकि अगर फिजिक्स केमिस्ट्री में आपकी कुछ कमियां रह गई हैं और स्कोरिंग आपका थोड़ा कम है, तो बायोलॉजी के मार्क्स उनको कंपनसेट कर सकें। वैसे तीनों सब्जेक्ट में आप बेहतर कंसंट्रेशन के साथ अच्छा स्कोर करेंगे, तभी आपको नीट एग्ज़ाम में कुछ बेहतर कामयाबी मिल सकती है। केवल एक या दो सब्जेक्ट पे कंसंट्रेट करके उनमें बेहतर मार्किंग लाकर आपके लिए कोई सीट मिलना जो है नीट एग्ज़ाम के बाद मुश्किल है। तो इसलिए बायोलॉजी पार्ट पे अगर आप थोड़ा बेहतर स्ट्रेटजी के साथ ध्यान देते हैं, तो आप इसमें काफ़ी ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। तो फिलहाल जो आपके लिए सिलेबस प्रिस्क्राइब्ड है नीट एग्ज़ाम में, उसको अगर आप देखें, तो 11th वाला जो बायोलॉजी का आपका पार्ट है, ऑलमोस्ट एक रफली एस्टिमेशन के अकॉर्डिंग 55% आपको 11th वाले सिलेबस से क्वेश्चंस मिलते हैं बायोलॉजी वाले सेक्शन में, और 12th वाले पार्ट से आपको लगभग 45% आपको क्वेश्चंस मिलते हैं। तो ज़्यादा वेटेज 11th वाले पार्ट पर है, तो जिन्होंने भी बायोलॉजी वाले पार्ट को 11th में बहुत बेहतर ढंग से पढ़ा है, और 12th के बाद उन्होंने अच्छे से रिवाइज़ भी किया है अपनी नीट प्रिपरेशन के लिए, उनको डेफिनेटली बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो 11th वाले पार्ट में जो आपके लिए सिलेबस है, वहाँ पर आपके लिए टैक्सोनॉमी वाला पार्ट है, जिसमें आप फैमिलीज़ पढ़ते हैं, इसके अलावा एनाटॉमी वाला पार्ट है, जिसमें आप इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ते हैं प्लांट बॉडी का, और साथ साथ आप एनिमल और प्लांट टिश्यूज़ के बारे में पढ़ते हैं। इसके अलावा वहाँ पर आपको प्लांट फिजियोलॉजी भी पढ़नी है, जिसके अंदर आप फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, ट्रांसपिरेशन, मिनरल न्यूट्रिशन, ये वाले टॉपिक्स पढ़ते हैं। इसके अलावा एनिमल फिजियोलॉजी या ह्यूमन फिजियोलॉजी वाला भी पार्ट है, जिसमें आप डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये वाले पार्ट पढ़ते हैं। इसके अलावा सेल बायोलॉजी वाला पार्ट है, साइटोलॉजी, जिसमें सेल स्ट्रक्चर और सेल डिवीजन वाले टॉपिक्स आप पढ़ते हैं। तो ये जो बायोलॉजी का आपका सिलेबस 11 का है, अगर आप बायोलॉजी पेपर देखें नीट का, तो काफ़ी सारा क्वेश्चंस का वेटेज आपको इसी पार्ट से मिलेगा, ख़ासतौर से सेल बायोलॉजी, फिजियोलॉजी, ये वाले पार्ट से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। 12th वाला जो आपके लिए पार्ट है, उसमें मेनली आपके लिए जेनेटिक्स,
मॉलिकुलर बायोलॉजी, जेनेटिक्स में आप मेनली मेंडल लॉस पढ़ते हैं, मॉलिकुलर बायोलॉजी वाला पार्ट जिसमें आप डीएनए आरएनए यानी कि न्यूक्लिक एसिड्स या जेनेटिक मटेरियल के बारे में पढ़ते हैं, इसके अलावा जो आप बाकी का हिस्सा इसमें पढ़ते हैं वो मेनली जो है इकोलॉजी वाला पार्ट है। तो जो भी आपके लिए सिलेबस 11th और 12th में प्रिस्क्राइब्ड है, आप मेन पार्ट उसमें से अगर सिलेक्ट करें तो फिजियोलॉजी, सेल बायोलॉजी, जेनेटिक्स, मॉलिकुलर बायोलॉजी, इकोलॉजी, और अगर साथ में आप 12th का एक सेक्शन छोटा सा बायोटेक्नोलॉजी का है उसको भी अगर आप ऐड कर लें तो ये आपका मेन एक आउटलाइन है बायोलॉजी नीट के सिलेबस की। अब जो ये टॉपिक्स हैं आपने 11th 12th में पढ़े हैं, मेन आपके लिए वहाँ पर जो सोर्स था आपके लिए वो एनसीईआरटी थी। आप श्योर रहिए कि एनसीईआरटी इज जस्ट लाइक बाइबल ऑफ बायोलॉजी फॉर नीट एस्पिरेंट्स। आपको हर हाल में एनसीईआरटी फिनिश करनी है, एक नहीं एक से ज़्यादा बार उसका रिवीजन भी करना है, लेकिन केवल एनसीईआरटी पर अगर आप बेस्ड रहेंगे तो जो आपका क्वेश्चंस का पैटर्न है नीट एग्ज़ाम में बायोलॉजी वाले पार्ट में वो सारा आप एनसीईआरटी से नहीं कर पाएंगे। नीट एग्ज़ाम में ऑलमोस्ट 65% क्वेश्चंस ईजी हैं, उसके बाद लगभग 30% से ज़्यादा क्वेश्चन मीडियम या थोड़े से डिफ़िकल्ट लेवल के हैं, और बहुत डिफ़िकल्ट लेवल का क्वेश्चंस का परसेंटेज हार्डली 6-7% है। तो ज़्यादा हिस्सा आपका ईजी वाले पार्ट का है, वो आपको एनसीईआरटी से डेफिनेटली मिलेंगे, लेकिन उसके अलावा जो पार्ट डिफ़िकल्ट वाला लेवल है उसके लिए एनसीईआरटी अक्सर इनफ साबित नहीं होती है। तो आपको केवल एनसीईआरटी नहीं पढ़ना है, हाँ पहली फुर्सत में आपको एनसीईआरटी पढ़कर फिनिश करना है, रिवाइज करना है, लेकिन एनसीईआरटी के अलावा भी आपको दूसरी बुक्स का इस्तेमाल करना होगा। एनसीईआरटी अगर आप फिनिश कर चुके हैं तो एनसीईआरटी के अलावा जो दूसरी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं वो यहाँ पर हैं। एक बहुत अच्छी बुक है कैम्बेल्स बायोलॉजी, आपको उसकी पीडीएफ फाइल भी ऑनलाइन मिल सकती है, हार्ड कॉपी भी अवेलेबल होती है। इसके अलावा ट्रूमेंस बायोलॉजी, ये भी एक बहुत बेहतर एक अच्छी बुक है, आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपने एनसीईआरटी फिनिश कर ली है। 12th लेवल के लिए बहुत अच्छी बुक्स हैं दोनों, और दोनों की हार्ड कॉपी भी मार्केट में अवेलेबल होती हैं, और इसके अलावा आपको ऑनलाइन इनकी पीडीएफ फाइल भी मिल जाएंगी। एनसीईआरटी का एक ऑफिशियल पब्लिकेशन होता है जिसको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स कहते हैं, ये फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी के अलग अलग पब्लिकेशन होते हैं एनसीईआरटी की तरफ से, वो आप ले सकते हैं, आपको उसकी पीडीएफ फाइल भी अवेलेबल होंगी ऑनलाइन, और आपको हार्ड कॉपीज मार्केट में भी मिल जाएंगी, और इसमें आपको अपने 11th और 12th के बायोलॉजी सिलेबस से रिलेटेड बहुत सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट आंसर, ट्रू फॉल्स, रीजन एसर्शन, इस तरह के आपको इसमें देखने को टॉपिक्स मिलेंगे जो अक्सर पूछा जाता है बहुत ज़्यादा बायोलॉजी के पेपर में एनसीईआरटी बेस्ड जो आपका पार्ट होता है उसमें। इसके अलावा एनसीईआरटी पढ़ने का जो आपका तरीका है, जो आपकी स्ट्रेटजी है एनसीईआरटी पढ़ने की, उसमें भी थोड़ा सा अगर आप स्ट्रेटजी सही इस्तेमाल करें तो एनसीईआरटी से आप कई गुना ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं नीट एग्ज़ाम में, जितना आपको फ़ायदा मिलता है उससे बहुत ज़्यादा। स्ट्रेटजी आपको क्या करनी है, स्ट्रेटजी ये करनी है कि हर चैप्टर के लास्ट में एक छोटी सी समरी होती है, इस समरी को मोस्ट ऑफ स्टूडेंट निगलेक्ट करते हैं, लेकिन उस समरी में आपके लिए बहुत सारी काम की बातें होती हैं जो एग्ज़ाम में जिनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, और वो समरी में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मेन चैप्टर्स में नहीं होती हैं। तो आपके लिए समरी को देखना, उसको रिवाइज़ करना, उसका नोट्स बनाना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके बेस पर आपको बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। तो समरी आपको ज़रूर करनी है तैयार, और उसको छोड़ना नहीं है। दूसरी चीज़, हर यूनिट की शुरुआत में, 11th की भी एनसीईआरटी में और 12th की एनसीईआरटी में भी, हर यूनिट की शुरुआत में एक नए किसी साइंटिस्ट के बारे में जो है वो आपको कुछ छोटा सा एक ब्रीफ में उनका इंट्रोडक्शन दिया होता है, आपको उनके बर्थ डेट या डेथ डेट से कोई उसमें ज़्यादा लेना देना नहीं है, आपको वो हिस्सा देखना है उसमें जिसमें उनका
वर्क फील्ड बताया गया है, बायोलॉजी के फील्ड में क्या उनका कंट्रीब्यूशन है, तो उनकी कोई ना कोई डिस्कवरी या उनकी कोई नई रिसर्च या उनकी किसी बुक का नाम आपको उसमें मेंशन मिल जाएगा, और उसके ऊपर बहुत सारे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नीट के एग्ज़ाम में मिलेंगे। जैसे एक आपको 11 की बुक में एक यूनिट से पहले रामचंद्रन साहब के बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन है, रामचंद्रन प्लॉट, ये एक कॉन्सेप्ट है उनका दिया हुआ, जिसमें उन्होंने प्रोटीन के कॉन्फ़िगरेशन को कंफर्म करने के लिए एक अपनी थ्योरी दी थी, जिसको रामचंद्रन प्लॉट कहते हैं। इसके ऊपर बेस क्वेश्चन अक्सर कम्पिटिटिव एग्जाम में आता है, और आपकी बुक में वही जो ब्रीफ में इंट्रोडक्शन दिया है रामचंद्रन साहब का, वहाँ पर ये मेंशन किया गया है। इसके अलावा कैथरीन इसाऊ एक बहुत अच्छी बायोलॉजिस्ट हैं, जिन्होंने एनाटॉमी पे बहुत बेहतर बुक्स लिखी हैं, उनका इंट्रोडक्शन भी है, उनकी बुक का नाम भी वहाँ पर है, आप वो भी इस तरह से देख कर उसको याद रख सकते हैं, और एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन आता है तो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो जो साइंटिस्ट के नाम हैं वहाँ पर दिए हुए, और उनका जो वर्क फील्ड जो उनका बताया गया है, और बायोलॉजी में जो उनका कंट्रीब्यूशन बताया गया है, वो आपके लिए काम का हो सकता है। इसके अलावा अगर आपको एनसीईआरटी और ये बुक्स भी आपने फिनिश कर ली हैं, फिर भी आप कुछ बेहतर किताबें पढ़ना चाहते हैं, तो कई सारी बुक्स हैं जो केवल प्लांट फिजियोलॉजी से रिलेटेड है, ह्यूमन फिजियोलॉजी से रिलेटेड है। डॉक्टर ए के जैन की एक बुक है, टेक्स्ट बुक ऑफ ह्यूमन फिजियोलॉजी के नाम से, बहुत बेहतर बुक है, आप पढ़ सकते हैं। डॉक्टर पी के गुप्ता की एक बुक है सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स के नाम से, जिसमें आपको सेल बायोलॉजी वाला पार्ट भी मिलेगा और जेनेटिक्स वाला पार्ट भी मिलेगा। वीर बाला रस्तोगी की एक बुक है इवोल्यूशन, जिसमें आपको ऑर्गेनिक इवोल्यूशन से रिलेटेड बहुत वाइड टॉपिक्स आपको मिलेंगे, बहुत बेहतर लैंग्वेज में पढ़ने के लिए। इसके अलावा टैक्सोनॉमी की बहुत सारी बुक्स हैं, गांगुली कार एंड दत्ता की बुक है कॉलेज बॉटनी के नाम से, 2 वॉल्यूम है उसके, उसके फर्स्ट वॉल्यूम में आपको क्रिप्टोगेमिक बॉटनी मिलेगी, सेकंड वॉल्यूम में आपको टैक्सोनॉमी एनाटॉमी और इकोलॉजी वाला बहुत सारा पार्ट पढ़ने को मिलेगा। तो अगर आपके पास टाइम है और आप इनको फिनिश कर चुके हैं, तो फिर आप पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड टेक्स्ट बुक का इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जामिनेशन वाले दिन जब आप नीट का एग्ज़ाम देंगे जिस दिन, उस दिन आपके लिए स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए कि आप अपनी पेपर की शुरुआत बायोलॉजी वाले सेक्शन से करिए। उसका देखिए एक रीज़न है, बायोलॉजी में आपको कोई कैलकुलेशन नहीं करना है, सिवाय बहुत माइन्यूट कैलकुलेशन जो अक्सर जेनेटिक्स में आते हैं, उसके अलावा आपको कोई कैलकुलेशन नहीं करना होता है। तो आपको या तो किसी क्वेश्चन का आंसर आता है या नहीं आता है, ज़्यादा टाइम आपको वेस्ट नहीं करना होता है। तो आप पहले जब कूल माइंड होते हैं शुरुआत में, और बहुत बेहतर आपका माइंड सेट होता है, तो पहले आप बहुत आसानी से कूल मैनर में बायोलॉजी वाला सेक्शन करिए। जितने आपको उसमें क्वेश्चंस आते होंगे, डेफिनेटली वो आपने मार्क्स सिक्योर कर लिए होंगे, बहुत कम टाइम में आप वो कर सकते हैं। और फिजिक्स केमिस्ट्री स्टार्ट करने से पहले जब कूल माइंड होके आपने काफ़ी अच्छा सेक्शन बायोलॉजी का किया होगा, काफ़ी मार्क्स आपने ऑलरेडी सिक्योर कर लिए होंगे, तो फिर आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होता है, जो आपका मोराल बूस्ट होता है, उसका फ़ायदा आपको फिजिक्स केमिस्ट्री वाला सेक्शन जब आप सॉल्व करते हैं तो आपको मिलता है। तो डेफिनेटली बायोलॉजी पहले करिए। जो आपकी अक्सर गलत स्ट्रेटजी होती है कि आप फिजिक्स केमिस्ट्री से शुरुआत करते हैं और वो इतना ज़्यादा आप एग्जॉस्ट हो चुके होते हैं मेंटली फिजिक्स केमिस्ट्री करने में, कि जब आप बायोलॉजी वाले सेक्शन में पहुँचते हैं, जो कि लास्ट में अक्सर होता है पेपर के, तो आप जो अच्छे टॉपिक्स हैं आपके तैयार, थोड़े से कन्फ्यूजन में आप उनको गलत करते हैं। तो इसलिए पहले कूल माइंड से बायोलॉजी वाला पार्ट करिए, और उसके बाद जो है फिजिक्स केमिस्ट्री वाले पार्ट पे जाइए। हम कोशिश करेंगे कि आगे के कुछ वीडियोस में आपको ख़ासतौर से 11 के कुछ टॉपिक्स जो हैं उनके लेक्चर वीडियो आपको प्रोवाइड कराएँ, PDF फाइल के फॉर्म में आपको नोट्स थोड़े से प्रोवाइड कराएँ। कमेंट बॉक्स में आप मेंशन करिए कि आपको किन टॉपिक्स में ज़्यादा प्रॉब्लम है, और हम कोशिश करेंगे कि स्पेशली उन्हीं टॉपिक्स पर आपके लिए वीडियोस बनाए जाएं और आप उससे फ़ायदा उठाएं। तो जुड़े रहिए इस चैनल से, रेहांस बायोलॉजी से,